यूपी में एक शादी के दौरान दूल्हे को नागिन डांस करने का भारी खामियाजा उठाना पड़ा। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के मिलानी क्षेत्र का है, जहां दुल्हन ने दूल्हे को नागिन डांस करता देख शादी करने से ही इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान दूल्हा बुरी तरह से नशे में धुत था और वरमाला के दौरान दोस्तों के साथ नागिन डांस करने में व्यस्त था। इस वजह से वरमाला में काफी देर भी हो रही थी और कई रिश्तेदार दूल्हे को मनाने के लिए परेशान थे, लेकिन दूल्हा नागिन डांस करने में ही लगा हुआ था। इस दौरान दुल्हन के परिवार वालों ने उसे काफी समझाने की कोशिश भी की, पर वो समझने की जगह उनसे बदतमीजी करने लगा और बहस पर आमादा हो गया। दूल्हा शराब के नशे में इतना धुत था कि उसने अपनी होने वाली दुल्हन को ही थप्पड़ जड़ दिया। ये सब देख दुल्हन से रहा नहीं गया और उसने आखिरकार शादी करने से इनकार कर दिया। मामले को बढ़ता देख वहां पुलिस भी पहुंच गई, पर दोनों ही पक्षों ने मामले को पुलिस में ना ले जाकर खुद ही मुद्दे को संभाला और आपसी सहमति से मामले को हल किया। बताया जा रहा है कि लड़के वालों को 14 नवंबर तक लड़की वालों की तरफ से मिले सारे उपहार वापस करने होंगे। इसके लिए उनसे बकायदा लिखित दस्तावेज और सहमति भी ली गई है। इसके बाद दूल्हा बारात लेकर वापस चला गया। इस मामले में लड़की वालों ने भी दुल्हन का साथ दिया और रिश्ता जुड़ने से पहले ही समाप्त हो गया। रात आई थी तो दूल्हा नशे में था, जिसकी वजह से उसकी होने वाली पत्नी ने शादी से इनकार कर दिया। तो इस संबंध में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुआ है और उन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है, और अगर कोई तहरीर मिलता है तो उसके आधार पर जाँच करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल डेस्क जनमत न्यूज़।